Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will discuss the CBSE format of class 10th subject computer application and code 165. Okay? जिसका maximum marks है ये आपका 50 marks का paper आएगा, जिसका जो time allowed होगा आपको 2 hours का होगा. Okay? And some general instructions. First is this question paper contain two part A and B. Each part is compulsory. इसमें आपके two parts होंगे A and B, और both parts आपके क्या है, compulsory हैं, आपको attempt करने ही करने हैं. Okay? Part A carry 20 marks while part B carries 30 marks. Okay? जो पार्ट ए है आपका वो 20 मार्क्स का आएगा और पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का होगा. एक्सेप्ट पार्ट ए कंसिस्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड पार्ट बी इज डिस्क्रिप्टिव पेपर. जो पार्ट ए है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे एंड केस बेस्ड कुछ एमसीक्यू होंगे एंड पार्ट बी ओनली डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि आपको उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, कोडिंग हो सकती है. ओके, ओनली डिस्क्राइब करने के लिए होगा. एंड फोर्थ पॉइंट, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव चॉइस. इसमें क्या है, कुछ ना कुछ चॉइस होंगे आपके पार्ट ए पार्ट बी में, जैसे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं. Okay, let us discuss a part A and part B one by one. A part A is consist two section. Part A में आपके two section होंगे, section one and section two. Section first has 13 question of very short answer type. कितने questions होंगे आपके, 13. यानी कि 13 क्वेश्चन में से एन एग्जामाइज टू इज टू अटेंट एनी 10 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन. 13 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं इन सेक्शन फर्स्ट. ओके, सेक्शन सेकंड हैज टू केस स्टडीज. जो सेक्शन सेकंड है उसमें टू केस स्टडी हैं आपकी. ईच केस स्टडी हैज 7 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिन इज टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 सब पार्ट. दैट मीन्स आपकी जो टू केस स्टडी हैं उसमें से हर केस स्टडी में, जैसे कि हम वन केस स्टडी की बात करें, उसमें 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन दे रखे होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे और आपको उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं. ओके, क्लियर. सेम एज सेकेंड केस स्टडी, जो भी आपको सेकेंड केस स्टडी दे रखी होगी उसमें भी 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, वो एमसीक्यू टाइप के होंगे. ओके, लेट अस डिस्कस अ पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर 16-20 आर शॉर्ट आंसर टाइप. ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच. दैट मीन्स जो आपके क्वेश्चन 16-20 हैं वो आपके 2 मार्क्स के होंगे. क्वेश्चन 21-25 आर शॉर्ट आंसर टाइप. ऐसे सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स. ओके, इसमें क्या होगा, जैसे कि 21-25 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप होंगे वो भी 3 मार्क्स के हैं. ओनली 1 क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग 26 जो कि आपका 5 मार्क्स का है. ओके, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. जो आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी वो एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेगी आपको, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेगी, और 1 क्वेश्चन जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड होगी. ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का आएगा उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे,
इन ऑल मार्क्स में, ठीक है। ओके, जो आपका जो चैप्टर जो पार्ट वाइज जो आपके मार्क्स होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसके पार्ट ए आप अटेम्प्ट करते हो उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, यू सी दिस इन स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 13 क्वेश्चन है जो कि 1-1 मार्क्स के हैं, जिसमें कि आप फिलिंग द ब्लैंक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 4 to 8 तक फिलिंग द ब्लैंक हैं। ओके, देखिए दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज अ फिलिंग द ब्लैंक। नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 13 में से 10 क्वेश्चन, क्लियर। ओके, जो सेक्शन 2 आता है, सेक्शन 2 उसमें जो आपके टू केस स्टडी आएंगे, ओके, जो कि ईच केस स्टडी आपके कितने मार्क्स की होगी, 5 मार्क्स की। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दे रखे होंगे, 7, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 करने हैं। देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एज क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है इसमें, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, इसमें से आपको केस स्टडी को ही रीड करना है, जैसे इंटरनेट पोर्टल के बारे में आपको रीड करना है और इनके आंसर इसमें से फाइंड करके आपको राइट करने हैं। सेकेंड जो केस स्टडी होगी सेम प्रोसेस है, कोई भी केस स्टडी आपको दी जा सकती है, उसमें भी 7 क्वेश्चन होंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सिंपली हम कह सकते हैं जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 and 7 दैट मीन्स 14 है, आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं केस स्टडी में और वो 10 मार्क्स के आपके होंगे। ओके, क्लियर। देन पार्ट बी, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनी वन, अगर इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है तो आपको एक अटेम्प्ट करना है और ये 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 2-2 मार्क्स के कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। ओके, 1, 2, 3, 4 and 5, इसमें जब इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इज 3 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 5, सेम प्रोसेस 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में है, आपको कोई भी इंटरनल चॉइस है तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हो और दिस ये आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ओके, जिसमें कि आपको कोडिंग करनी होगी, कोई भी आपको वेब पेज दिया जा सकता है, उसकी कोडिंग पूछ सकते हैं कि इनकी कोडिंग ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिखिए। ओके, इस वेब पेज के बारे में जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसके बारे में आपको लिखना है, ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ओके, अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं आ रही है कोडिंग तो आप और में एक आपको क्वेश्चन और दिया जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपका जनरल फॉर्मेट है क्लास 10th का, जो कि जिसका कोड आपका 165 है कंप्यूटर का। ओके, तो इसे जो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसका जो मैंने अभी फॉर्मेट आपको बताया है, ये CBSE बोर्ड ने ही लेटेस्ट CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, तो इसके जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आपके सब्जेक्ट की अपडेट मिलती रहे। ओके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करें।